सो टुडे विल स्टडी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि हमारा HUF। इसे हिंदी में हम कहते हैं अविभाजित हिंदू परिवार। ये भी एक हमारा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। HUF क्या होता है? HUF हमारा यहाँ पे जो मेन हेड होता है वो कर्ता होता है। कर्ता हमारा कौन होता है? जो ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, यानी कि जो सबसे बुजुर्ग पर्सन या एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, वही हमारा हेड होता है इस फैमिली का। ठीक है, इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया। कहाँ फाउंड है? सिर्फ हमारे इंडिया में ही फाउंड होता है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये एक हमारा सबसे पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस है। इट इज़ ओन्ड एंड कैरिड ऑन बाय लॉ ऑफ HUF। यहाँ पे जो करता है वही करता, और उसके जो मेंबर्स होते हैं वही लोग ओन करते हैं और बिजनेस को अपने चलाते हैं। इट इज़ गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। ये सिर्फ हिंदू लॉ के तहत ये चीज़ मानी गई है। सिर्फ हिंदू अगर है, हिंदू में आप अगर जैन हो गए, बुद्धिज़्म हो गए, यानी कि उस पर्टिकुलर रिलीजन से अगर आप रिलेट करते हैं तभी आप ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद एडमिशन जो होता है बाय बर्थ एंड अडॉप्शन। अगर कोई भी मेंबर, अगर कोई बच्चा है वहाँ पे बर्थ पैदा होता है बचपन से, तो वहीं से वो कहीं ना कहीं उस फैमिली का बिजनेस का एक मेंबर स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल्ड बाय कर्ता, यानी कि एल्डेस्ट मेंबर कौन यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली है? कर्ता। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स। यहाँ पे जितने भी जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स यहाँ पे कौन होते हैं? जो फैमिली के जितने भी मेंबर्स हो गए वही सारे लोग मिलके फॉर्म करते हैं HUF। और को पार्टनर्स का मतलब हुआ कर्ता को छोड़ के जितने भी साथ में उनके जो वर्क कर रहे हैं जो भी मेंबर्स, उनको हम को पार्टनर्स कहते हैं। ऑलराइट, सो नाउ विल स्टडी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ HUF। फीचर्स यानी कि हमारी विशेषताएं। पहला है फॉर्मेशन। एटलीस्ट यहाँ पे दो मेंबर्स होने चाहिए फॉर्म करने के लिए। कितने मेंबर्स? एटलीस्ट टू मेंबर्स शुड बी देयर टू फॉर्म अ HUF। सेकेंड इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो कर्ता की लाइबिलिटीज़ होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और जितने भी को पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटीज़ अलग अलग रहेंगी। जैसे कि इफ इन केस की कोई अगर प्रॉब्लम इश्यू होता है तो जो मेन कर्ता होगा उसको सारे पे करने पड़ेंगे अपने पर्सनल एसेट्स से, बट जो को पार्टनर्स होते हैं उनके लिए जो लाइबिलिटीज रहेगी वो लिमिटेड वे में रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल यहाँ पे कौन करता है? कर्ता करता है, यानी कि जो हमारा हेड ऑफ द फैमिली है वही हमारे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है। फोर्थ है कंटिन्यूटी। कंटिन्यू इवन आफ्टर डेथ ऑफ द कर्ता। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है इन केस अचानक से, तो जो जितने भी को पार्टनर्स हैं वो हमारे कहीं ना कहीं बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट इज माइनर मेंबर्स। माइनर मेंबर्स कौन होते हैं? जो हमारे 18 बिलो 18 होते हैं, बिलो 18 ऑफ एज जो पर्सन्स होते हैं वो हमारे माइनर मेंबर्स कहलाए जाते हैं। ये हमारे माइनर मेंबर्स अगर HUF में बाय बर्थ से इंक्लूड हो सकते हैं, और भी किसी फॉर्म में ऐसा नहीं है, बट HUF में बाय बर्थ माइनर मेंबर्स भी उनको मौका मिलता है कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके अपने बिजनेस में। नाउ विल स्टडी एडवांटेजेस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? HUF क्या होता है? HUF वो ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ मेन हेड ऑफ द फैमिली करता होता है, सारी चीज़ें वही देखता है, और ये हमारा बहुत ही पुराना बिजनेस चलता चला आ रहा है। उसके बाद हमने इसमें पढ़े थे फीचर्स, इसके पढ़े थे फीचर्स हमारे फॉर्मेशंस हो गए, लाइबिलिटीज हो गए, कंट्रोल, कंटिन्यूटी एंड माइनर मेंबर्स कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। अब है एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेज क्या है? इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल का मतलब होता है जो कर्ता होता है वो हमारा मेन हेड ऑफ द फैमिली होता है, बुजुर्ग पर्सन होता है, जो भी डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है? करता ही लेता है। नॉर्मली केसेस में भी फैमिली में जो भी बड़ा पर्सन होते हैं हमारे फैमिलीज में, वही हमारी सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, वही डिसीजन लेते हैं। उसी तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन में जो करता होता है वही सारे डिसीजन लेता है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं एक एडवांटेज फॉर्म है, क्योंकि बड़े लोग जो भी होते हैं वो सारी सही अच्छी चीज़ों का ही डिसीजन लेते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, कर्ता अगर ख़त्म हो जाता है या उसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जो उसके बाद जितने भी जो बड़े मेंबर्स बचे रह गए वो हमारी बिजनेस को कंटिन्यू वे में रखेंगे, उसको कहीं ना कहीं बंद नहीं होने देंगे, तो ये भी एक हमारा कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है। थर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कर्ता की जो लाइबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती हैं, बट जो अदर्स में कौन हो गए, को पार्सर्स, यानी कि जो अदर फैमिली मेम्बर्स हो गए वो हमारे को पार्सर्स कहलाते हैं, तो उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होती है, लिमिटेड होती हैं। कर्ता की अनलिमिटेड क्यों होती है, क्योंकि अगर कुछ रिस्क होता है या अगर आपने डेब्ट को पे नहीं किया है तो पर्सनल एसेट्स को भी आपको कहीं ना कहीं सेल करने पड़ेंगे अपनी डेब्ट को पे करने के लिए, क्योंकि कर्ता हमारा हेड ऑफ द फैमिली है, तो बड़ी लोगों को ही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस चीज़ों को ध्यान दें सब चीज़ों का। होमोजीनियस मेंबर्स, सिमिलर थिंकिंग एंड कल्चर, यानी कि एक ही सोच लेने वाले सारे मेंबर्स होते हैं यहाँ पे, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई नहीं होती है, जैसे कि जितने भी आप मेंबर्स हैं वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एक ही फैमिली से बिलोंग करने का मतलब होता है जो भी उनकी सोच की जो क्षमता होती है, जो समझने की क्षमता होती है, हर चीज़ों को अच्छे वे में पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं, और इससे क्या होता है कि आपस में कोई मतभेद नहीं होता है, जो एक हमारा कहीं ना कहीं एक लाभ है ऑर्गेनाइजेशन में। नॉवल स्टडी डिसएडवांटेजेस ऑफ HUF, फर्स्ट इज डोमिनेंस ऑफ कर्ता, यानी कि कर्ता ही हमारा सोल डिसीजन लेता है, यानी कि कर्ता हमारा हेड ऑफ द फैमिली है, वही हमारे डिसीजंस लेता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जितने भी और मेंबर्स हैं यानी कि जो को पार्टनर्स हैं उनको ये लगता है कहीं ना कहीं कि हमारी तो कहीं वैल्यू नहीं है, मतलब अगर डिसीजन अपना कहीं ना कहीं कुछ समझने की या कुछ समझाने की कोशिश कर भी रहे हैं या कुछ चीज़ें बता भी रहे कि हमारे बिजनेस में की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो कर्ता होता है उसका इंटरफेरेंस पहली बात तो किसी का वो नहीं समझता सारी चीज़ों को, ठीक है, जो भी लेता खुद समझता है तो उसको इंटरफेरेंस नहीं लेता है, किसी की नहीं चाहता है कि उसको उसकी बिजनेस में कोई इंटरफेयर करे। तो जितने भी और मेंबर्स हो गए तो वो भी सोचते हैं कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज के रूप में आ गई चीज़ें। सेकेंड है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता का मतलब है कि जो लाइबिलिटीज़ होती है कर्ता की अनलिमिटेड होती है, तो कर्ता के लिए कहीं ना कहीं बहुत बर्डन है, स्ट्रेस है, ठीक है, तो उसकी वजह से जितनी भी चीज़ें होती हैं आगे जाकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगती हैं, बाकी जो को पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती हैं। थर्ड है हमारा लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स, कर्ता माइट नॉट बी एन एक्सपर्ट, मान लीजिए कर्ता हमारा हेड ऑफ द फैमिली ज़रूर है लेकिन जो वो बुज़ुर्ग इंसान है, कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बुज़ुर्ग पर्सन को नॉलेज हर एक फील्ड में रहे, ठीक है, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे बिज़नेस में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन जो आज की जनरेशन है उनके पास हर एक चीज़ की वैल्यूबल नॉलेज रहती है कि हम अपने बिज़नेस कैसे एफर्ट डाल सके, तो एफर्ट डालने से क्या होती है कि अपना ऑर्गेनाइजेशन आपका अच्छा बेटर इम्प्लीमेंट होता जाएगा। बट जो यहाँ पे क्या है कि कर्ता को सारी चीज़ें मिली होती हैं, तो वो एक हमारा कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज, हमारा नुकसान होता है, क्योंकि जो भी डिसीजंस होते हैं वही लेता है, ठीक है, कोई भी अगर कुछ नई भी चीज़ दूसरे पर्सन से लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ला नहीं सकते हैं, अगर ला रहे हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई हो जाती मतभेद होता आपस में। नेक्स्ट इज नो डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल रिलेशंस गेट स्पॉइल, यानी कि अगर कोई आपस में कोई चीज़ें नहीं सॉल्व आउट हो रही हैं तो प्रोफेशनल लाइफ से लेके वो हमारी पर्सनल लाइफ में आती चीज़ें और पर्सनल लाइफ से हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी आ जाती हैं चीज़ें, तो इससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है लोग, क्योंकि यहाँ पे जितने मेंबर्स होते हैं वो फैमिली होती है हमारी सारी, तो अगर कोई प्रोफेशनल वे में कोई लड़ाई हमारी चल रही तो वो घर तक खींच के आती है, फिर वो घर में भी चीज़ें ख़राब होती हैं, घर में चीज़ें ख़राब हो रही तो वो प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रेशर रहता है और टेंशन रहती है, तो वो क्या है कि हमारा कहीं ना कहीं नुकसान हो हमारा पूरा प्रोफेशनल लाइफ में। तो और इसमें एक है हमारा मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टैक्स बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, टैक्स एक्सेम्पशन कितनी हमारी 2.5 लाख की होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर
वॉचिंग दिस।